तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को हमारा इस वीडियो का अंदर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको शायद पता है फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ऐसा चार अपडेट निकल के आ रही है। चार अपडेट में से दोस्तों हम लोग चारों को हम लोग रिव्यू करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा किस में क्या आपको फायदा होने वाला है, किस में आपको क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इसका रिव्यू देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और पेमेंट बैंक का अगर आप लोग रिटेल आ रहे हैं तो चार सर्विस आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इसमें चारों में से के चारों आपको फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम अशोक, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिटेलर अगर आप लोग हैं तो मित्रा रिटेलर है तो आपको चार सर्विस देखने को मिलेगा अपना पोर्टल में। अगर आपका पोर्टल में शो नहीं हो रहा है तो आप प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए और आप तो वहां से आपको शुरू हो जाएगा चार अपडेट, ठीक है। तो चार क्या क्या अपडेट है दोस्तों, क्या बेनिफिट है, मैं उसके लिए मैं मोबाइल फोन को ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर जिसको कॉमेंट करना है तो कॉमेंट करके अभी भी पूछ सकती है क्या किसमें कमीशन है, क्या आपका नुकसान है, फायदा और नुकसान के बारे में हम लोग बात कर रही है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं खोल चुका हूँ, अभी हम आपको बताएंगे एक एक करके चार अपडेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नीचे चला जाएंगे, आप लोग शायद चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर दूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा होगा। तो मैं चलिए यहाँ पे पहले स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे जाके दोस्तों आप लोग साइड में देख सकती है, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग शायद देख सकती है ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे नीचे चला जाएंगे। सबसे पहले चार अपडेट के बारे में हम लोग इस वीडियो में लाइव कर रहे हैं तो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें दोस्तों आपको एक इंश्योरेंस का बीमा मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी बैंक का खाता खोल लेंगे, जैसे कि SBI, सेंट्रल, कैनेडा, जो भी बैंक का आपका अकाउंट है तो आपको शायद पता होगा वहाँ पे भी आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है। इंश्योरेंस खोलने की वजह से 2-3 लाख का एक इंश्योरेंस हो जाता है, जो आपको कुछ एक्सीडेंट होने में आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है, पॉलिसी में क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूरा आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री का सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ये दोस्तों आपको एक नंबर हुआ है। उसके बाद दोस्तों दो नंबर क्या आया है, यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, सबसे ऊपर में शायद नहीं है, नीचे होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा और एक सर्विस, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस में क्या मिलेगा आपको दोस्तों, इसमें आपका घर में कोई प्रॉब्लम है, बोलो तो कुछ आग में जल गया है, पानी में डूब गया है, उसके लिए भी आप इंश्योरेंस कर सकती है। खास करके दोस्तों आप इसको बहुत अच्छा करके अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड करेगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्या करना है नहीं करना सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों बता देगा, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा अपडेट के बारे में बात करें तो तीसरा अपडेट क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग ऊपर जा जाएंगे। तीसरा अपडेट दोस्तों यहाँ पे है माई इन्फो में आपको क्लिक करना, ठीक है। तो माई इन्फो में क्या होगा आपको सर पता नहीं है, मैं बहुत दिन से दोस्तों इसका इस तरह वीडियो नहीं बनाया, तो दोस्तों माई इन्फो में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब दोस्तों माई इन्फो में क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेगा उसका लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमीशन मीटर, ठीक है दोस्तों, आप लोग कमीशन मीटर में आपको जब क्लिक करना है, जब दोस्तों कमीशन मीटर में क्लिक करेगा तब यहाँ पे कमीशन पूरा देख सकती है। एक्टिवेशन लॉगिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना बार लॉगिंग किया, उसके बारे में फुल डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फैसिलिटी, जैसे कि लेटर में जाएगा तो यहाँ पे आपको कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना कमीशन मिला, उसके बारे में दिया है। और फर्स्ट में दोस्तों आपको सर्टिफिकेट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकती है, ठीक है। और चौथा नंबर में दोस्तों क्या अपडेट, चलिए मैं यहाँ पे चौथा नंबर अपडेट जो आपको बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों चौथा नंबर अपडेट में दोस्तों कस्टमर का खास करके अगर बोले सेविंग बैंक अकाउंट रिकेवाईसी। दोस्तों बहुत सारा कस्टमर का दोस्तों अकाउंट में कुछ गलत बोलो तो पहले नाम दोस्तों अलग था, अभी दोस्तों नाम चेंज करके अलग हो गया है UIDAI आधार में, लेकिन बैंक अकाउंट में वही नाम अभी भी शो हो रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर मान के चलो उस अकाउंट में कोई भी कारणवश दोस्तों डैम बोलो तो अकाउंट को टेम्परेली डिसेबल कर दिया तो क्या होता है, उस टाइम बहुत सारा भाई लोगों को दोस्तों पैसा नहीं मिलता है रिटर्न, ठीक है, बोलो तो उसका पैसा तो पानी में चला जाएगा। बोलो तो मान के चलो मेरा नाम अशोक है, वहाँ पे दोस्तों अशोक का जगह में दोस्तों दूसरा कुछ नाम बना दिया, ठीक है। मान के चलो अगला 2016-17 में जब आधार कार्ड निकला उस टाइम इस तरह हुआ, तो क्या हुआ है उस टाइम बहुत सारा भाई का नाम दोस्तों गलत था, बहुत अपडेट करना पड़ा। तो अभी दोस्तों अपडेट करने के बाद यहाँ पे जब आप लोग
सेविंग बैंक यूजर में क्लिक करेगा तो आपको क्या बोला साथ साथ यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डालना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि यूआईडीआई का जो आधार में दोस्तों अपडेट किया है, करेक्शन किया है, और दोस्तों फिर से आपका डाटा जो होगा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ले लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बेनिफिट यही है, आपका मान के चलो नाम गलत है तो आप नाम को सही करके अपना बैंक अकाउंट में कर सकती है, ठीक है। तो मेरा इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ दोस्तों ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री में आपको 4 साल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो देने का धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो चुके साथ इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना क्योंकि हम आपको दोस्तों इस तरह वीडियो लेके आएंगे, दिखाएंगे और आप लोग सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, बाय।